is Manjubala. I am working at GSS PG Girls College Chidava as a lecturer in geography. Today I am going to discuss the topic fauna, service. तो फौनों को समझने से पहले हमें इसकी उपस्थिति को समझना होगा कि क्या फौन सभी जगह उपस्थित रहती है. मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में अपने वायुमंडल के अंदर अपन कहें कि वायु हवा ये तो हमेशा उपस्थित रहती है. अब कई बच्चे सोचते हैं पवन और हवा एक ही चीज है. नहीं, इनमें अंतर है. हवा वायुमंडल में हमेशा उपस्थित रहती है लेकिन पवन हमेशा उपस्थित नहीं रहती. अर्थात हवा का ही एक फ्लो का रूप जो है उसको अपन पवन कह सकते हैं. अर्थात इसके विस्तारपूर्ण रूप को समझने के लिए हमें पवन के पूरे तंत्र को समझना होगा जिसको हम मोस्टली पवन परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं. और इस पवन परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हमें इसका विस्तार पूर्वक वर्गीकरण करना होगा. अर्थात ये कहें कि चाहे पवन परिसंचरण तंत्र कह लो या फिर पवनों का वर्गीकरण कह लो, एक ही बात है, वर्गीकरण. अब वर्गीकरण है इस इन पवनों का वर्गीकरण तीन आधार पे किया गया है. सबसे पहले हम इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे. जैसे पहला है प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र. प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र. दूसरा है द्वितीय पवन परिसंचरण तंत्र. और इसी प्रकार तीसरा आएगा अपना तृतीय पवन परिसंचरण तंत्र. अब प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र है इसके अंदर तीन पवनों को इंक्लूड किया गया है जिसमें तीन पवन हैं. इनको हम जानते हैं पूर्व पवनों के नाम से, पछवा पवन और तीसरा आएगा अपना ध्रुवीय पवन. अच्छा, इनको समझने से पहले जैसे मैंने बताया कि इस वर्गीकरण को समझने के लिए अपने को प्रथम द्वितीय और तृतीय पवन परिसंचरण को समझना होगा. तो प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है स्थायी पवन, परमानेंट मींस. द्वितीय का मतलब होता है अस्थायी पवन अर्थात टेम्परेरी मींस. और तृतीय पवन परिसंचरण का मतलब होता है लोकल मींस, जिनको हम स्थानीय पवनों के नाम से जानते हैं या फिर यू भी कह सकते हैं स्थायी पवन, अस्थायी पवन और स्थानीय पवन. ठीक है, तो जो स्थायी पवन होती है जैसे इनके नाम से स्थायी का मतलब भी फिक्स रहती है ना, जहाँ पूरे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है, पूरे वर्ष भर उसी दिशा के अंदर ये बहती है, तो इनको हम स्थायी. और अस्थायी, अस्थायी मीन्स वैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार कि ये जो है ये स्थायी है, ये है ये अस्थायी है और ये है स्थानीय. तो स्थायी का मतलब फिक्स है ना, जैसे पूर्वा पवने है इनके नाम से लेते हैं पूर्व से चलती होंगी, पछुआ है वो पश्चिम से आती होंगी, ध्रुवीय है ये ध्रुवों से आती होंगी, लेकिन अस्थायी टेम्परेरी इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कभी कहीं से तो कभी कहीं से. मीन्स ये कभी सर्दियों में कहीं से, गर्मियों में कहीं से, इस प्रकार ये अपना जो दिशा है उसको डायरेक्शन है उसको ऋतु के अनुसार समय के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए हम इनको अस्थायी पवन कहते हैं. और स्थानीय लोकल मीन्स उनका कोई अता पता ही नहीं होता, दिन और रात के चक्कर में ये हो जाती है, अर्थात दिन में कहीं से और रात में कहीं से, या यूं भी कह सकते हैं कि इनका समय पीरियड है वो छोटा होता है, इनका समय पीरियड इनसे थोड़ा बड़ा होता है, और इनका समय पीरियड पूरे वर्ष भर परमानेंट अर्थात एक दिशा से दूसरी दिशा में ही बहते हैं.
तो सबसे पहले जो पूर्व पवने हैं, इन पूर्व पवने, पछुआ पवने या ध्रुवीय पवने, इनको प्रथम जो पवन परिसंचरण तंत्र है इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेंगे, क्योंकि डायग्राम से प्रैक्टिकली अपने जो चीज समझ में आती है वो खाली डिस्क्रिप्शन से समझ में नहीं आती। तो इस प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ देखो, प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र है, इसको समझने के लिए हमें वायुदाब पेटियों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप सबको पता है कि तापमान है, वो तापमान कटिबंध पूरे विश्व के अंदर तीन ही है, जिनको हम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो वायुदाब है, उस वायुदाब को समझने के लिए हमें, अर्थात जो पवन है, इस पवन को समझने के लिए हमें वायुदाब को समझना पड़ेगा। अब वायुदाब को क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस प्रकार पानी का फ्लो हमेशा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर जाता है, ठीक इसी प्रकार पवने भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अर्थात जो पवने हैं वो उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। अब हमें बेसिकली पता कैसे चलेगा उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, तो जो डायग्राम होता है, मैप्स होते हैं, उनके अंदर तो लिखा होता है वायुदाब, जैसे एमबी के अंदर नोट करते हैं अपन। लेकिन इसका बेसिकली अपन पता कैसे लगाएंगे कि नॉर्मली सी कंसेप्ट इसकी ये है कि जो भूगोलवेत्ता है, साइंटिस्ट है, वो बताते हैं कि तापमान और वायुदाब का अपोजिट रिलेशनशिप है। जब तापमान ऊंचा होगा तो वायुदाब नीचे रहेगा, और जब तापमान नीचे आएगा तो वायुदाब ऊंचा रहेगा। लेकिन पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलेगी, और वायुदाब के जो पेटियां हैं वो भी पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर फिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको अक्षांशों के आधार पर इन पेटियों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक पेटी तो अपनी ये हो गई। उसके बाद दूसरी पेटी है, वो है अपनी 30 से 35, 30 डिग्री से 35 डिग्री। फिर उसके बाद आती है 60 डिग्री से 65 डिग्री, और उसके बाद आती है 80 डिग्री से 90 डिग्री। इस प्रकार अपन वायुदाब पेटियां बनाएंगे। सेम ऐसे ही पेटियां दक्षिण गोलार्ध में बनेंगी, मतलब जैसे आपकी 30 से 35 बन गई, फिर 60 से 65 बन गई, फिर 80 से 90, तो 3 इधर 3 इधर 6 और 1 ये पेटी बन गई 7। तो वैश्विक स्तर पे तो वायुदाब पेटियां कितनी हो गई, 7 हो गई, लेकिन अगर एक कटिबंध में करें तो 4 पेटियां हैं। अब इन पेटियों का जो नाम है, क्योंकि नाम पता होगा तभी हम पवन का एरो, पवन का फ्लो पहचान सकेंगे कि पवन किधर से किधर जा रही है। जैसे 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश की जो पेटी है उसको अपन जानते हैं कि भूमध्य रेखीय है निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, भूमध्य रेखीय है निम्न वायुदाब पेटी, एक नंबर। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में है दोनों ही गोलार्ध के अंदर, अगर उत्तरी गोलार्ध करेंगे तो उसके पहले हम उत्तर लगा देंगे, और दक्षिण गोलार्ध करेंगे तो दक्षिण लगा देंगे। अब 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। उसके बाद 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के अंदर जो है उसको अपन बोलते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद 80 से 90 डिग्री अक्षांशों पे जो है उसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब जब हमने उत्तरी गोलार्ध में लिखा है तो इनके सामने हम, जैसे यहां पर भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण में भी, तो इसका नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब उपोष्ण है तो इसको बोलेंगे उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ऐसे दक्षिण में करेंगे तो दक्षिण में लगा देंगे दक्षिण उपोष्ण, दक्षिणी उपध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। तो ये वायुदाब पेटियां हैं। अब आपको लगेगा कि मेरे तो रटाई है, लेकिन ये जो वायुदाब पेटियां हैं, इन वायुदाब पेटियों को कोई भी अच्छे तरीके से याद रख सकता है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा का नाम भूमध्य रेखा है, और जो
90 डिग्री पोलर है ध्रुव है वो ध्रुव के नाम से जाना जाता है, 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में है वो दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखी वायदा पेटी ध्रुवीय वायदा पेटी। अब ध्रुव से नीचे जब आएंगे तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ध्रुव से छोटा है तो क्या आएगा उपध्रुवीय वायदा पेटी। उसके बाद एक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा उपोष्ण उच्च वायदा पेटी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अक्षांश स्तर पर जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र होता है उसको अपन उपोष्ण के नाम से ही जानते हैं, तो इस अक्षांश के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। अब अपने को इस वायदा पेटी के अंदर इन पेटियों का जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या समझना है अपने को प्रथम पवन परिसंचरण तंत्र समझना है, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पूर्वा पवन है पछवा पवन है ध्रुवीय पवन है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब देखो इनके नाम से विदित है पूर्वा पवन है सबको पता है। सबसे पहले एक बात आपको ये याद रखनी जैसे बेसिक से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया नॉर्मल सी कि वायु हमेशा पवन हमेशा कहां से कहां चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, है ना। तो इसी प्रकार पवन का नामकरण भी उसी आधार पर होगा जहां से वो आ रही है, मतलब अगर पूर्व से आ रही है तो उसको हम पूर्व पूर्वा बोल देंगे, पश्चिम से आ रही है तो पछवा बोल देंगे, तो वो कहीं से भी आ रही है लेकिन जहां से चलेगी अपन नामकरण भी उसका उसके आने के आधार पर ही करेंगे, उसी डायरेक्शन पे उसका नाम देंगे। तो अब इसे पता लग जाएगा जैसे पूर्वा पवन है तो ये कहां से आ रही होगी पूर्व से, पछवा है तो ये पश्चिम से, ध्रुवीय पवन है तो ध्रुव से, है ना ध्रुव से आ रही है। तो अब सबसे पहले पूर्वा पवन ज्यादा इनको विस्तार पूर्वक क्योंकि विस्तार पूर्वक अभी आप डायग्राम के ऊपर करेंगे तो अगर हम इसकी अक्षांश स्थिति के आधार पर इसको लेते हैं तो पूर्वा पवने 30 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में रहती है, नंबर एक बात 30 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है। फिर उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है डायरेक्शन दिशा दिशा क्या होगी कि उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से। अब देखो ये यहाँ क्या है अब इसको अपन डायरेक्शन सबको बताया ऊपर में क्या होता है उत्तर दक्षिण में नीचे की साइड में दक्षिण। अब ये जो साइड है इसको अपन बोलते हैं पूरब और ये होती है पश्चिम। तो अब ये देखो ये डायरेक्शन कौन सी है पूरब है तो पूरब से आ रही है और पूरब में भी डायरेक्शन कौन सी है उत्तर, है ना ऊपर से आ रही है तो उत्तर मैंने भी बताया ऊपर में क्या है उत्तर दक्षिण में नीचे क्या है दक्षिण। तो ऊपर से आ रही है पूर्व से आ रही है तो डायरेक्शन क्या हुई उत्तर पूरब, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया इसकी अक्षांश स्थिति कि ये 30 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है, नंबर एक बात। नंबर दो इसका जो दिशा है वो क्या है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, नंबर दो बात। नंबर तीसरी बात क्या है कि पेटी वायदा पेटी आप ऐसे याद रखो कि कौन सी पेटी से कौन सी पेटी की तरफ चल रही है तो देखो उपोष्ण 30 से 35 मैंने क्या बताई थी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। इसका जो अच्छे से क्लियर डायग्राम है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बनाया हुआ है कि वायदा पेटी वायदा क्या है वायदा पेटी किस रूप से कहां कहां खड़ी है। तो अभी जैसे मैंने इसका नाम बताया उपोष्ण उच्च वायदा पेटी और इससे पहले मैंने बताया था कि वायु हमेशा उच्च वायदा से निम्न वायदा की तरफ चलती है तो आप इस एरो को गलती से भी यूं मत करना देना क्योंकि ये कैसे जाएगा ये तो निम्न से उच्च जाएगा और वायु निम्न से उच्च चलती नहीं है। तो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में भी अपना क्लियर हो जाएगा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, है ना। तो तीन चीजें कौन सी हो गई सबसे पहले इसकी अक्षांश स्थिति 30 से 5 डिग्री, है ना। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कौन सी हुई कि ये इसकी जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। तीसरी बात हो गई इसकी कौन सी कि इसके कटिबंध से कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, क्लियर। अब ये जो पूर्वा पवन है और चूंकि इसका नाम पूर्वा पवन मैंने पहले बताया कि पूर्वा पवन क्यों कहते हैं क्योंकि ये पूर्व दिशा से आ रही है उत्तर में भी पूर्व से आ रही है और दक्षिण में भी पूर्व से आ रही है, ठीक है। तो सबसे आप बिल्कुल यही करेक्टरिस्टिक्स अपन पूर्वा पवनों की पढ़ी है ऐसे ही अपन पछवा पवनों की पढ़ी है, ठीक है।
तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पूर्वा की पढ़ी है यही पछुआ की। अब आप भी आराम से इजिली बता सकते हैं कि पछुआ पवनों की तीन विशेषताएं कौन सी है। सबसे पहले इसकी अपन क्या करेंगे, अक्षांश स्थिति, फिर इसकी डायरेक्शन और फिर इसकी कटिपन, है ना। वही तीन चीज आप इसके बारे में बताएंगे। अब पछुआ पवन बिल्कुल सिंपल सी आपको बताया पछुआ पवन है, तो पछुआ पवन है उसकी डायरेक्शन ये है कि उत्तरी गोलार्ध में ये, अब यहाँ पर भी मैं बना देती हूँ आपका, जैसे ये आपका हो गया 30 से 35, फिर ये हो गया 60 से 65 और फिर ये हो गया 80 से 90, है ना। तो ये हो गया आपका 30 से 35 साउथ और ये हो गया 60 से 65 डिग्री साउथ, है ना। तो यहाँ पर जो पछुआ पवनों के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी उल्टी है, अब देखना। सबसे पहले मैंने ये बताया था अक्षांश स्थिति, तो अक्षांश स्थिति में आप कैसे करेंगे कि अक्षांश कौन सा है, 30 से 35 वाली बेटी है, तो 35 डिग्री से, और ये क्या कौन सा अक्षांश है 60, तो 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है, नंबर एक बार, है ना, 35 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में। फिर नंबर दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, दिशा की, तो दिशा इसमें तो क्या थी, अब आपको पता है मैंने बताया कि पूर्व से आ रही तो पूर्वा बोल दो, पश्चिम से आ रही तो पछुआ बोल दो, लेकिन इसमें देखो डायरेक्शन तो क्या है, ये बता दिया मैंने पश्चिम है और ये पूर्व है, तो आ तो पश्चिम से रही है, लेकिन इसमें तो बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, लेकिन इसमें पछुआ पवनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ये है कि पछुआ पवनों के अंदर उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम, ये ऐसे, क्योंकि इसमें एरो लगाने में एरो के आधार पर अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे ना, तो अगर आपने डायग्राम बना दिया तो डायग्राम से भी आपका जो एग्जामिनर है वो आराम से समझ सकता है कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। सिर्फ ये एरो ही आपके पूरे क्लासिफिकेशन को डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, पश्चिम, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है अब छोटा सा ये है वहां, तो इसका जो है ये तो क्या हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो अगर इसका भी नॉर्थ साउथ करेंगे क्या होगा, ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो जब इस गोलार्ध से ऐसे चलेगी तो उत्तरी गोलार्ध का तो दक्षिण ही हो गया ना ये। तो यहाँ से देखो नंबर एक बात की अपनी अक्षांश की क्या था 35 से 60, नंबर दो बात इसकी है आपकी डायरेक्शन, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, नंबर दो बात। नंबर तीसरी बात मेरी कौन सी बताई आपकी कि कौन से कटिबंध से कौन से कटिबंध में, अब आपको नाम पता होना चाहिए इस कटिबंध का नाम क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अब यहाँ पर भी आप कौन से देख लो कभी आपका गलत नहीं जाए, उच्च वायुदाब मैंने बताया ना उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो यहाँ पर देख लो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, अगर एरो यूं लग गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ देखो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो वही तीन बात हमने पछुआ पवनों के बारे में पढ़ी है। सबसे पहले पछुआ पवनों की जो आपका एक्सीडेंस है जो अक्षांश है वो क्या हो गया 35 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में, नंबर एक बात। दूसरी बात इसकी डायरेक्शन से थी वो थोड़ा सा आपको उल्टा करना पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कटिबंध से संबंधित थी, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो पछुआ पवन आपने पढ़ी है ऐसे ही। अब चलो ठीक है, पछुआ पवन के बारे में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इन पवनों से एक क्वेश्चन उठ के आता है, आता तो वैसे सालों से ही है, लेकिन इसके अंदर मोस्टली एक कॉन्सेप्ट है जैसे आपने नाम सुना होगा प्रचंड 50, गरजता 40, चीखता 60, क्योंकि जो पवने होती है इन पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध में आप सबको पता है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर महाद्वीप है वो ज्यादा है और महासागर कम है, ठीक इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में अगर इनका अपन परसेंटेज निकाले ना तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे अपन 60-40 का आंकड़ा लगा लेते हैं और दक्षिण गोलार्ध में 80-20 का। मेरे कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में 60% तो क्या है महाद्वीप और 40% क्या है महासागर, ठीक इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में क्या है 80% तो 80% तो क्या है महासागर और 20% है महाद्वीप। कहने का मतलब दक्षिण गोलार्ध में महासागर ज्यादा है, अर्थात दक्षिण गोलार्ध में जब पछुआ पवने चलती है तो इनकी स्पीड बहुत तेज रहती है और ये लगभग जो पछुआ पवने हैं ये 40 डिग्री अक्षांशों के पास के पास पास बहुत ही तेज चलती हैं, इसलिए इनको गरजता 40 के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है तो 50 डिग्री अक्षांशों पर इनको प्रचंड 50 और जब 60 डिग्री पे जाती है
तब इन पवनों को चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो इन पवनों के बारे में आप थोड़ा ये याद रखने का मतलब इसी अलग से कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही अपन ध्रुवीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे, सेम ये तीन करेक्टरिस्टिक्स। अब आप भी सिंपल तरीके से बता सकते हो, अगर आप में से किसी से पूछे तो आप बता सकते हो वही तीन बातें कौन सी, एक अक्षांश, दूसरा उसकी दिशा और तीसरा उसका कटिबंध। अब पूर्व पवने हैं, अब पूर्व पवनों में देखो सबसे पहले अक्षांश अपन क्या करेंगे। अब आप कहोगे कि हम कैसे बताएं कि यार ऐसे लगाने गए थे। सबसे पहले आप वायुदाब पेटी देख लो कि वायुदाब पेटी जो है वो उच्च कौन सी और निम्न कौन सी है। अब उसने को ये है उच्च वायुदाब पेटी है ना, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब आपको ये तो पता है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ही चलेगी पवन, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी है ना। तो सबसे पहले अगर आप इसका अक्षांश करें तो ये देखो क्या है 80 डिग्री, तो 80 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलती है नंबर एक बात। दूसरी बात क्या होता है इसकी दिशा से, तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो पूर्व पवने हैं पूर्व पवनों की और ध्रुवीय पवनों की एक जैसी स्थिति है। ध्रुवीय पवने भी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। बिल्कुल सिंपल सा है पूर्व पवने और ध्रुवीय पवनों के बारे में कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। तीसरी बात इसके कटिबंध से संबंधित थी कि कटिबंध है, इसका नाम देखो क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है ना। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से कौन सी पेटी तरफ चल रही है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब। कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं हुई, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को अपन किस नाम से जानते हैं, ध्रुवीय पवने। तो जो स्थायी पवने हैं ये परमानेंट मीन्स है, पूरे वर्ष भर इनकी डायरेक्शन यही रहती है। जो आपका सूर्य है उस आधार पर जिसको हम शिफ्टिंग बेल्ट के नाम से जानते हैं है ना, तो उस शिफ्टिंग बेल्ट के कारण जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण हो, एक दूसरी कॉन्सेप्ट है वो जो अगले चैप्टर में बनाएंगे तो मैं आपको पूरा उसका डिटेल से आपको समझाऊंगी। तो उस सूर्य की स्थिति के आधार पर ही ये पवने हैं। जब दक्षिण में शिफ्ट होता है तो अपन बहुत सारे जैसे अपन जानते हैं बहुत फेमस है भूमध्य रेखीय जो जलवायु है उसके आधार पर अपने यहाँ राजस्थान के अंदर उसको मावठ का नाम देते हैं, विक्षोभ भी आते हैं। तो उस दक्षिण में जाने से तो क्या होता है, वो विक्षोभ आ जाते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु का नामकरण होता है। और अगर ये उत्तरायण होती है तब अपनी जो ये पूर्व पवने ना पूर्व पवने ये पूर्व पवने ही मानसून पवनों का रूप ले लेते हैं। और आपको पता है मानसून पवनों का भारत में कितना महत्व है ना, तो इन मानसून पवनों का विस्तार पूर्वक हम किस में जाएंगे, मानसून पवनों की स्थिति जो है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि अस्थायी पवने वो ऋतु के आधार पर चेंज कर देते हैं गर्मी में कहीं से सर्दी में कहीं से। तो सबसे पहले अपने को ये जो स्थायी पवने हैं ये फिक्स है पूरे वर्ष एक कटिबंध के अंदर, पूरे जो वैश्विक स्तर है इसमें कभी भी चेंज नहीं होती, पूरे वर्ष पर एक डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, अब आते हैं अपन द्वितीय परिसंचरण तंत्र पे। और द्वितीय परिसंचरण तंत्र जो है इसको अपन अस्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। और इन अस्थायी पवनों के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है, अस्थायी पवनों के अंदर सबसे पहले जो जाना माना नाम आता है उनको अपन मानसून पवनों के नाम से जानते हैं। मानसून पवने, फिर एक आपने नाम सुना ही होगा चक्रवात, सुना है चक्रवात। इसी के आधार पर एक इसकी कॉन्सेप्ट और है प्रति चक्रवात मीन्स साइक्लोन और एंटी साइक्लोन है ना। चक्रवात प्रति चक्रवात का नाम सुना होगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर एक आपका आता है वाताग्र। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो पॉपरी है ये अस्थायी पवनों के अंदर आती है, अर्थात इनके अंदर ऋतु का चक्कर रहता है, ऋतु के आधार पर ये अपनी स्थिति को बदल देती है, तब हम इनको अस्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो मानसून पवन है ये यहाँ का शब्द नहीं है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है मोसिन, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और भारत में आप सबको पता ही है कि जो मानसून पवने हैं उनकी स्थिति दो आधार पर दो शाखाओं के अंदर बांटते हैं, जिनको हम उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकाल मानसून कह सकते हैं और दूसरी दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हैं, जो अपने भारत में वर्षा भी कराता है। उसके बाद चक्रवात और प्रति चक्रवात आता है, उसके बाद आपका वाताग्र आता है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात इसका सिंपल सा है, क्योंकि अगर इसको इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अपन इसको हटा के और फिर आपको ये इस पे एक पूरा बड़ा लेक्चर है, मैं चाहती हूँ कि ये जो मानसून है इसको अपन पूरी विस्तृत से
क्योंकि हर जगह काम आता है। आप चाहे बी ए फर्स्ट ईयर में देखें, फिर आप बी ए थर्ड ईयर में देखें, फिर आप एम ए फाइनल ईयर के अंदर जाएंगे तब भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मानसून कमी है उनको डिटेल से पढ़नी चाहिए, है ना। तो उसके बाद जैसे चक्रवात प्रति चक्रवात है, तो चक्रवात में सबको पता है कि बच्चे हैं, फिर जब मैं पूछती हूँ ना क्लासेस में कि चक्रवात क्या होता है, तो वैसे गोल गोल करके और यू बना देते हैं, ये चक्रवात हो गया। क्या इसको अपन चक्रवात बोल सकते हैं? जब तक इसमें एरो का सिंबल नहीं होगा तब तक अपन इसको चक्रवात नहीं कह सकते। मेन चक्रवात की मोटी सी डेफिनेशन है कि जब पौधे बाहर से केंद्र की ओर चलती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? चक्रवात। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर मैं कहूँ 1000 MB वायुदाब है, तो 1000 MB वायुदाब है तो यहाँ अगर 200 होगा, कहने का मतलब ये है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ही चलती है। तो चक्रवात के अंदर ये हमेशा याद रखो कि पवन हमेशा बाहर से अंदर की ओर चलती है, उसको अपन चक्रवात कहेंगे। और प्रति चक्रवात इसका उल्टा है, उल्टा मीन आप इसी डायग्राम को उल्टा मत कर देना। जैसे मैंने अभी बताया ये, और यहाँ पर 1000 MB हो गया और यहाँ पर 900 MB है, तो अंदर से बाहर चला देंगे तो गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगी। क्योंकि भी मैंने क्या कहा था कि पौने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, लेकिन यहाँ तो निम्न है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर वायुदाब चला पर क्या हो जाएगा, अंदर तो क्या हो जाएगा 1000 MB, और यहाँ हो जाएगा आपका 900 MB, है ना। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये बात आप कहने की जरूरत नहीं है कि पौने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे बता सकते हैं कि चक्रवात में पौने बाहर से केंद्र या परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में पौने केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलती है, ठीक है। तो एक सिंपल साइन के अंदर एक डिफरेंस है कि चक्रवात में बाहर से अंदर और प्रति चक्रवात में अंदर से बाहर की ओर चलती है। ऐसे ही आपका वाताग्र है, और उस वाताग्र के अंदर भी वाताग्र क्या होता है कि जब दो पवने मतलब अलग अलग स्वभाव वाले, एक ठंडी और एक गर्म, तब ठंडी और गर्म वायुराशियां या पवने जब आती है तो वो अचानक एक दूसरे के अंदर विलीन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अपन भी जैसे शुरू शुरू के अंदर अपन क्लास में आते हैं नए नए, है ना, तो उसके अंदर अलग अलग किसी का नेचर कुछ होता है, किसी का नेचर कुछ होता है, आती है अचानक दोस्ती थोड़ी हो जाती है, नहीं होती ना। उसमें क्या होता है कि अपन धीरे धीरे उसके स्वभाव को जानते हैं। तो वाताग्र में भी कुछ ऐसा ही है, मानो एक शीत राशि है और एक है उष्ण, तो शीत और उष्ण जब आती है तो कुछ समय के लिए रह जाती है, उनके बीच में एक बाउंड हो जाता है, एक दीवार से बन जाती है, उस दीवार को ही क्या बोलते हैं? वाताग्र। इसको मैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर विस्तारपूर्वक समझाऊंगी। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि मानसून पवने क्या होती है, चक्रवात प्रति चक्रवात क्या है, वाताग्र क्या है, ठीक है। इसी प्रकार एक बार संस्कृत दिवस में मैं आपको ये बता दूं कि जो तृतीय पवन परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर अपन लोकल विंड्स को लेते हैं, और लोकल विंड्स के अंदर जैसे आपकी स्थल समीर वर्सेस सागर समीर, ठीक है, स्थल समीर सागर समीर, या फिर एक जैसे आपका आता है पर्वत समीर और घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। और थर्ड जो है आपने बहुत सुना होगा, जैसे 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 मैं क्लास में पूछती हूँ स्थानीय पवने, तो स्थानीय पवन का नाम आते ही बोलते हैं लू, हरमटन, सिरोको, बोरो, बहुत सारे नाम, फोन, चिनू, वैसे बहुत सारे नाम है जो अलग अलग स्थानों पे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पवने हैं वो पूरे वर्ष भर अगर एक डायरेक्शन चलेगी तो उनको स्थायी बोलेंगे, ऋतु के आधार पर अपने आप को बदलेंगे, अर्थात थोड़े समय के लिए कुछ महीनों के लिए तब उनको ऐसा ही बोलेंगे, और जो दिन रात में ही चेंज हो जाती है तब हम उन पवनों को स्थानीय या लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। इनका नाम जैसे अपने राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर उत्तर पश्चिम भारत है, पाकिस्तान है, तो उसके अंदर अपन गर्म जो पवन चलते हैं गर्मी में उनको अपन लू के नाम से जानते हैं। तो ठीक अगर इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कहीं ठंडी चलती है, कहीं गर्म चलती है, तो उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब ये था कि, और इसमें एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट आप ये भी याद रखना, जैसे मैंने बताया कि तापमान का और वायुदाब का विलोम संबंध होता है, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक इसी प्रकार हम पवन का नामकरण उसी आधार पे करेंगे जहां से वो आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक प्रत्येक टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अलग अलग वीडियोज बनाऊंगी, तो वो आपको मैं इसके यूट्यूब के ऊपर डालूंगी, तब आप उसमें अच्छे से देखना।
फिर बीच में अगर कोई आपको है तो उसके जो आपको आपको थोड़ा बहुत कमी लगती है इसके अंदर, तो आप मेरे को जरूर बताइए। धन्यवाद।